रेलगाड़ी, एक रेल आगे जा रही है, दो रेलें पीछे आ रही है, कौन दो डब्बे पीछे आ रहे हैं बाबा, इंजन आगे जा रहा है और दो डब्बे पीछे आ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कल ब्लॉग नहीं बना, कल तबीयत कुछ ठीक थी, बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था और सर्वाइकल की मुझे फिर से प्रॉब्लम बन गई है। तो कल मैं बड़ी परेशान थी, बहुत सेहत ठीक बिल्कुल ठीक नहीं थी तबीयत मेरी, और कल पूरा दिन मेरे से उठा भी नहीं, मतलब काम तो सारा किया, मम्मी को भी पूरा संभाल, लेकिन ये कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है कि मम्मी को भी एक बार बार उनको अभी सुबह से सिर्फ चाय पी है। और अपने तक कितना टाइम हो बेटा? टाइम है 11:05 हो गए हैं। अभिनंदन ने आपको टाइम बताया, लेकिन अभी सिर्फ मैंने चाय, बाकी कोई काम नहीं किया, किचन में सारा काम पड़ा, बस मम्मी को बार बार फ्लश में लेके जाना पड़ता है, फिर मुझे उनके साथ उधर रुकना पड़ता है, और जैसे बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इनको भी खाना देना, जूली को भी देना, घर का भी काम देना। हाँ बेटा, ट्यूशन जाना क्या, छुट्टी है, वो मेरे लिए ना बड़ी परेशानी बन गई, और मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, समय एक दिन कहता है इन जूली बच्चों को दे दूँ मैं किसी को, क्योंकि मेरे से नहीं संभाले जा रहे हैं अब, क्योंकि मम्मी को भी देखूँ कि बच्चों को देखूँ, घर का क्या करूँ क्या नहीं, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मेरे से ये काम हो ही नहीं रहा है। तो अभिनंदन है कि अभी अभिनंदन स्कूल जा, मंडे से जब स्कूल चला जाए, फिर इनको बार बार उन बच्चों को पॉटी करते हैं, फिर छोटे हैं बार बार, इनको बार बार छत पर लेके जाना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और इसी प्रॉब्लम टेंशन की वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़े। कल इतना भी अविनाश ने चेक किया कि, तो मेरे को ना ऐसे सिर में ना एक साइड पे ना, सिर्फ एक साइड पे ऐसे त्राण त्राण पड़ रही थी, तो मैंने ना अविनाश को बोला, मैं अविनाश तेरा मेरा बीपी चेक कर, चेक किया, बोलता चाची आपको तो बीपी हुआ है। इतनी परेशानी बन गई कि शाम को जब नंदा के पापा आए, मैं चाय तक नहीं, बेचारा उन्होंने आके खुद चाय बना के पी, बड़ी परेशानी हो गई। अभी मैं ये सोच रही हूँ, अभी मैं मम्मी को फ्लैश से बैठाया, उनको बैठा के अभी बिस्तर में बैठा के आके जस्ट बैठी हूँ, और आके मैंने ब्लॉग शुरू किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अभी अगर मम्मी के लिए मैं कोई लेडीज़ भी रखती हूँ, तो अभी वो परमानेंट इनके साथ, क्योंकि ये बार बार फ्लैश में जाते हैं, बार बार इनको फ्लैश में जाना होता है, अभी इतना भी कोई फ्री नहीं है, चाहे 5,000 10,000 भी दूंगी ना, तो भी इतना कोई नहीं बैठेगा इनके लिए। अभी ये समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, बहुत परेशानी बन गई मेरे लिए। यही टाइम होता है कि बोलते हैं कि सभी मिलके, लेकिन मैं, मेरे लिए बड़ी परेशानी, एक तो बच्चों के बच्चों बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको भी देखना पड़ता है। जूली मेरी समझदार है, जूली की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो खाना खाती है, खुद ही चली जाती है छत पे, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। बच्चे छोटे हैं, मुझे इनकी बड़ी हो रही है, अभी इनको इनको भी संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो अभी सुबह अभिनंदन लेके गया था, तो उन्होंने पार्टी वगैरह ऊपर किया, अभी खाना वाना खाया, अभी सो रहे हैं, लेकिन उठे थे बीच में, फिर मैंने बोला अभिनंदन इनको छत पे ले जा, छत पे लेके गया, तो बोलता मम्मी टॉयलेट वगैरह किया, अभी ये डाइनिंग टेबल के नीचे दोनों के दोनों सोए हुए हैं, बड़ी परेशानी है मेरे लिए, बहुत परेशानी है, कहीं आना जाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन रही है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं। ऐसे मैंने कल बात की किसी से भी, चलो महीने का मैं दे दूँगी उसको जितना बोलेगी, तो लेकिन उसने भी मेरे को बोला कि आरती इतना नहीं मैं बैठ सकती, मुझे अपना घर का काम भी है, क्योंकि मम्मी को चाहिए एक आदमी जो है। अभी मेरा है ना, अभी मैं इनको जब नहलाना धुलाना होता है, फिर ये बार बार आवाज़ें लगाते हैं, मुझे जाना पड़ता है, मुझे फ्लैश में लेके जाना पड़ता है, उसकी वजह से फिर मुझे वहाँ रुकना पड़ता है, तो इस ये वजह से ना मेरा काम जो है ना वो सारा रह जाता है। अभी किचन में मेरा सारा काम पड़ा, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झाड़ू पोछा लगा बस, और कुछ कोई काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, कह रहा उसकी वजह से सिर दर्द होती है, फिर इतनी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये कि जब शाम को अभिनंदन के पापा आते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, फिर वो थोड़ा संभाल लेते हैं। मैं ऐसे अकेले में जैसे वही सोच रही हूँ कि मंडे को स्कूल लग जाएंगे, क्या करूँगी, बच्चों को संभालूंगी, मम्मी को देखूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, उल्टी बात है। कहाँ क्या था तू, क्या आया पार्सल में? अच्छा ये पार्सल आया, ये इसने फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगवाया था, मुझे नहीं पता है क्या नीचे करो ना, तो टेप भी नहीं जाती ऊपर। अच्छा, और वो देखो उनकी लड़ाई, पता नहीं इन्होंने क्या जमीन बनवानी है। अरे ऐसे कुकी कुकी बहुत बहुत ज्यादा शरारती है, देखो सोच रहे हैं हमारे खाने के लिए कुछ है, मुझे डांट रहा है, मुझे जुली दे
इनके जो क्यूटनेस पे ना यहाँ ये जो क्यूटनेस है इनकी ये बहुत बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा। क्या आया जी डिब्बा दे इनको खेलने के लिए, उधर फेंक दे जाओ डिब्बे के साथ खेलो। इनकी ना साइज के हिसाब से पूछ ले इनकी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। लाइट हो गई है बंद, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ कुछ नहीं है, नहीं नहीं बुआ कुछ नहीं ना। अच्छा नहीं मैंने सोचा ये खाली निकला है। ये ब्रश मंगवाया है टाइल साफ करने के लिए, दो मिले हाँ। एक तो ये हो गया बर्तन साफ करने के लिए, बर्तन थोड़ी साफ करने में बर्तन मतलब नहीं ये है लगाना कैसे दिखा जा। बटन दिया हुआ है जो खुद ही पता बटन काम क्या है, दिखा दे तोड़ मत देना टूट ना जाए। ये ब्रश है ये शैम्पू नहीं, इसके अंदर से शैम्पू सर्फ वगैरह डालना पड़ेगा, डाल के तो फिर इसके साथ ये टाइल साफ करनी पड़ेगी। चेंज कैसे होता है पर ये कहाँ लगेगा, ये भी वहीं पे लगेगा, ये भी लगेगा चेंज पता नहीं चेंज चेंज का पता चल रहा कैसे करते हैं चेंज। वो तेरे पापा आएंगे फिर पूछेंगे। यार ये ब्रश मंगवाया मैंने किचन की टाइल साफ करने के लिए क्योंकि टाइलें बड़ी गंदी हो जाती है बार बार मुझे। ना 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 वो देखना, वो देखो ढूंढो 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 चला दूध आओ। ये जूली को इतना तंग कर रहा है, दूध आ नहीं रहा, बेचारी को पेन हो रहा है जिसकी वजह से मुझे देख ऊपर से कपड़ा खोल रही है। ये इतना दिमाग है इसका, इतना ही पता उसको माँ को पेन हो रहा है। और मुझे सब्सक्राइबर हुई है रोमी जी ने मुझे कमेंट में लिखा की दीदी जी आप ऐसा कीजिए। मैं एक दिन सोच भी रही थी कि मैं जूली को कुछ कपड़ा कुछ ऐसा बांधूंगी तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने बांधा। और देखो देखो रोमी जी मैं क्या करूं, ये बच्चे बहुत शरारती हैं, बहुत ज्यादा शरारती हैं और जूली को बहुत पेन हो रहा है। बेचारी पेन से कभी कभी कराती भी है। चले चढ़, हालांकि इनको पेट भर के सब कुछ मिलता है फिर भी ये कुकी चल। और अभी मैंने कपड़ा बांध दिया ताकि बेचारी को सेफ मिल जाए। बहुत तंग है ये, बहुत बहुत ज्यादा पेन करते हैं ये देखिए। और हालांकि इनको इनको पेट भर के खाना मिलता है सब कुछ है। फिर भी चल जूली आ जा, हाँ अब देखती हूँ कैसे पीते। आओ आओ पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, कहाँ से पियोगे अब मारो टकरा। जूली जा जूली जूली आ जा। बेचारी को पेन होता है, इतना टाइट भी नहीं है, लूज कपड़ा है। अम्मा सोच रहा कि मैंने टाइट बांधा, बिल्कुल लूज है। हाँ जी देखो जैसे इन्होंने खाना खाया ना बात सुनो, जैसे इन्होंने खाना खाया दो मिनट के लिए खोल देना, दो मिनट पियेंगे। नहीं 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 खोलना बिल्कुल नहीं, याद क्यों तो कुछ नहीं खा रही थी याद है। बस खाना खाना दो मिनट खोलना है, दो मिनट बाद वापस बंद कर देंगे। और रात को बंद करके रखना है। नहीं बेटा ये दो तीन दिन लगातार करेंगे ऐसा तभी ये छोड़ेंगे, वरना जूली की बुरी हालत है। दांत लगा दिए उन्होंने उसके दूध पे, वो दूध मार कर लो चबा रही है। क्या करें मिलता नहीं खाने के लिए इनको कुछ। मैं इधर आ चल तू भी इधर पहले इधर इधर बासु इधर इधर जूली को खाना डाल। अभिनंदन मैं बोल रही हूँ खाना डाल दे जूली को। चिपक गया, हाँ चिपक गया, फेविकोल का मजबूत जोड़ है ये चिपक गया। या उनको बाहर लेके जाओ, शायद कुछ कर रहा हो। जाओ जाओ ओल है इधर शिशु कर दिया इसने, तो इनको बाहर क्या भेजूं अब। जाओ जाओ बाहर कुत्तो जाओ निकलो बाहर, मेरी जूली नहीं ऐसे करती आप लोग गंदे हो। जूली आ जा मैं तेरे को खाना डालू, आ मेरा बच्चा खाना डालू देखो आ जा। ये देखो अमरिंदर के पापा अभी आए हैं और ये देखो देखो कितना क्यूट लग रहा है, वापस ही बैल करता। और ये शैतान माल ये देखो बाय करो बेटा बाय करो बाय। अरुण मॉल गए थे वहां से ये बंधन के लिए। क्या हुआ
बहुत बजे ये लेके बनियान, एक ये लाई है और एक ये वाला, ये बहुत प्यारी, इतना सॉफ्ट कपड़ा है, इसको ये वाली पसंद है। हाँ जी बेटा, जब जूली को करते ना ऐसे, वो मुंह हटा रहे थे, इनको रखो ना, मुंह रख लेते हैं। ये देखो जूली का है, जूली सोई हुई है, ये देखो जूली क्या करती है, जो जूली कैसे करो ना, वो मुंह हटा लेते हैं, ऐसे करो ना, ये पूरा ही रख देते हैं मुंह, फिर उंगली चबाते हैं। ये देखो क्या कर रही है, वाली आ गई वो। ए तू कुछ चबाने को नहीं मिलता तुम्हें, कुकी तो बस चिल्लाती है। ये भगवान, डंडा लेके आऊं, ये गुराती है, डंडा लेके आऊं, ये अच्छा, ये मेरा चिड़ी बच्चा, ये चिड़ी बच्चा। और मेरे और ये बाजू में दर्द, मैं लगी हूँ खाने, ये पहाड़ चढ़ने वाला है, पहाड़ चढ़ेगा बड़े होके, बड़ा क्यूट है, ऐसे, बहुत क्यूट ऐसे है। होके तू किधर आ गई, पहने पहले जगह फूल लो, करो ना बस। ये देखो ये पहाड़ चढ़ना है इसमें, ये देखो देखो कितना पैसा लाटी, ऊपर चल गया, कितना पैसा लाटी नहीं कर रहे आप, ये सोने वाली गुद्दी में, ये छोड़ने वाला है, ये छोड़ने वाला, ये गगजू छोड़ने वाले, मस्ती पड़ी है ऐसे, तो उससे प्यार कर रहे, पैसे नहीं कर रहे। नहीं आज इन्होंने जूली का कपड़ा खोल दिया, अच्छा खोल के दूध पीना शुरू कर दिया। ये देख तेरा बैठा हुआ है, फ्रॉग की नई जूली तू कर के दियो, ओ फ्रॉग ये देखो नीचे से तनी है, ये देखो तनी है ना दिया, हां वो नीचे से है तनी है ना, ऊपर बांधे के तनी है तो फ्रॉग नीचे बांधे के, हां ये देख कितना कूट से बैठा है, ये करना पड़ेगा, कुकी ना शरारती है, ए बैग उठा दे, ऐश को काटती है, बड़ी है ना ऐश, आराम से बैठा हुआ है, दो दिन बड़ी है इसे, ऐश चाटता है, ये देखे आई, दो दिन नहीं एक दिन, एक दिन ये 14 को हुई थी, ये 16 को हुई है, 16 का हुआ, हां ये 16 एक दिन पहले ये हुई, फिर उसके अगले दिन वो हुआ, 14 को ही ना, 14-15 अभिनंदन किसको नीचे, ओए गिर जाएगी नीचे, गिर जाएगी नीचे, बोलो बोलो बोलो, 14 को हुई, 14-15 दो दिन पड़ी नहीं, ये 16 को हुआ है, नहीं ये पहले कुकी हुई, फिर उसके अगले दिन ये हुआ, जी नहीं 16 की तरीका हुआ था, 15 तरीक को नहीं हुआ, 16 तरीक ऑपरेशन हुआ था इसका, अब टांग नहीं, टांग नहीं, गिर गई, ये लगी माथे का, बस ये काम है इसका, ये श्री बच्चा है, ये श्री बच्चा हमारा, ये नहाता है तो नहा के अच्छी तरह साफ भी कर लेता है, बदबू छोड़ता है, रेलगाड़ी, एक रेल आगे जा रही है, दो रेलें पीछे आ रही है, दो डब्बे पीछे आ रहे हैं बाबा, इंजन आगे जा रहा है और दो डब्बे पीछे आ रहे हैं। ये इंजन गया और ये दो बोगिया गई, बोगिया रुक गई, बोगी को पेट्रोल मिल गया, बोगी दो निकलो निकलो, बोगिया बोगिया, वो इंजन जा रहा है और दो पैसे से वाली बोगिया जा रहे, ओ इंजन रुक गया। गाइस काम पुन खत्म हो गया सारा, रात के बजने में लगे 10:30 और 10:30 बजे मैं फ्री हूँ काम करके, क्योंकि मम्मी को फ्रेश में लगी गई, तो वहाँ मम्मी के कपड़े चेंज किए सारे, और अभी कपड़े साफ हुए, मम्मी को दवाई दी है, मम्मी गई है, सो गाइस पूरा दिन इतनी टेंशन थक जाती हूँ, इतनी मैं थक गई हूँ, आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ, आपको पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी, लेकिन ये कि ये बार पंखा बाद में लगाते हैं। तो गाइस अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट्स करना भूलना, और सॉरी गाइज आज ब्लॉग नहीं आया, मैं कल तक भी ठीक ब्लॉग नहीं था, आज मैंने थोड़ा बहुत जो बनाया, तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कल नहीं भी सब्सक्राइब, तब तक गुड नाइट।